और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में लागू हो सकता है ऑडिवन, प्रदूषण की वजह से लिया जा सकता है ये फैसला। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली में लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान उस वक्त किया जब वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। जी हाँ, लेकिन अब बड़ा सवाल इसमें यह है कि क्या स्कूल को बंद करना या ऑडिवन लागू करना क्या प्रदूषण से लड़ने का परमानेंट इलाज है। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को लेकर बेहद ही दिलचस्प बात भी कही। उन्होंने कहा कि आपका पोता मेरा भी पोता है। उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा, केजरीवाल का ये बयान आप जरूर सुनिए। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था, आदेश गुप्ता जी कह रहे थे कि वो एक दादा के नाते बोल रहे हैं और उनके उनका जो पोता है उसे दिक्कत हो रही है। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ आदेश गुप्ता जी कि आपका पोता मेरा भी पोता है, और भरोसा रखिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मिलके कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी ज़िंदगी से संबंधित। तो सुना आपने, केजरीवाल ने ये बात क्यों कही। तो इस वक्त बड़ी खबर यही आ रही है कि प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ने के कारण जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है, और अब खबर यह भी है कि दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो लागू हो सकता है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।